एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आजकल हर किसी को बालों को लेके कोई ना कोई प्रॉब्लम तो है ही, इसलिए आज की वीडियो में मैं बालों को लंबा, घना, रेशमी और सॉफ्ट बनाने का एक बहुत ही ज़बरदस्त सा ट्रीटमेंट शेयर करने वाली हूँ, जो कि मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है। आज हम हेयर ग्रोथ के लिए होममेड हेयर ऑयल तैयार करने वाले हैं, जो कि आपको बहुत ही रिजनेबल प्राइस में घर पर पड़ जाना है और इसमें ईजिली 4 से 5 मंथ आपके निकाल देने हैं अगर आप इसे सिंगल पर्सन यूज़ करते हैं तो। ये मिरेकल हेयर ऑयल है, इसको यूज़ करने के बाद आपका हेयर फॉल रुक जाएगा, प्लस आपकी चोटी को लंबा और मोटा होने से कोई नहीं रोक सकता है, क्योंकि इससे आपकी हेयर ग्रोथ फास्ट हो जाएगी। मैं इस ऑयल को लास्ट 1.5 ईयर से यूज़ कर रही हूँ एंड इसके जो रिजल्ट्स मुझे मिले हैं वो अनबिलीवेबल है। आप खुद ही वीडियो में देख सकते हैं मेरे बालों की लेंथ एंड शाइन। ये हेयर ग्रोथ ऑयल आप यूज़ करके देखो, बट उससे पहले आपको एक बात माइंड में सेट कर लेनी है कि अगर आप किसी भी रेमेडी के सच में अच्छे रिजल्ट्स चाहते हैं तो आपको एटलीस्ट उसे 3 मंथ्स का टाइम तो देना ही होगा, क्योंकि उसके बाद ही आपको पता चलता है कि ये वाली रेमेडी या फिर ये वाला प्रोडक्ट हमारे ऊपर इफेक्टिव है या नहीं। और अगर उसके बाद भी आपको लगता है कि ना, मज़ा नहीं आया, जैसा हमने सोचा था वैसे रिजल्ट्स हमें नहीं मिले, तो उसके बाद आप किसी और रेमेडी या फिर किसी और प्रोडक्ट पर जंप कर सकते हो, बट आपको थोड़ा सा पेशेंस तो रखना ही होगा। तो चलिए देख लेते हैं कि ये होममेड हेयर ग्रोथ ऑयल आपने कैसे बनाना है और इसे कैसे यूज़ करना है। बट उससे पहले मेक श्योर, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड वीडियो को भी लाइक कर दें। इस DIY हेयर ग्रोथ ऑयल को बनाने के लिए हमें चाहिए कुछ इन्ग्रीडियंट्स, जिनमें से हमारा फर्स्ट इन्ग्रीडियंट है तिल का तेल। तिल का तेल हेयर लॉस, ड्राई हेयर्स एंड थिन हेयर्स और भी बहुत सी हेयर प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। नेक्स्ट लेंगे 2 अनियन एंड थोड़ा सा गार्लिक, जिनको हमने ग्राइंड करके पेस्ट बनाया है। 5 to 6 करी लीव्स, चाहे तो आप ड्राई करी लीव्स भी ले सकते हो, एंड 4 स्पून मेथी दाना। एंड गाइस, 2 ऐसे इंग्रेडिएंट्स हैं जिनका यूज़ लास्ट में होगा, तो उनके बारे में हम बाद में ही बात करेंगे। तो चलिए ऑयल को बनाना स्टार्ट करते हैं। इस ऑयल को हम बनाएंगे लोहे के बर्तन में, क्योंकि लोहे के बर्तन में आयरन होता है, इसलिए इसमें बना ऑयल हमारे बालों को नेचुरली काला और मजबूत करेगा। सबसे पहले हम इसमें ऐड करेंगे मेथी दाना और लो फ्लेम पर इसे 1 मिनट तक ब्राउन करेंगे। मेथी दाना हमारे बालों के लिए एक बहुत ही अच्छा इंग्रेडिएंट है। ये स्कैल्प के ब्लड सर्कुलेशन को बूस्ट करके आपके बालों को ग्रोथ देगा और इतना ही नहीं बल्कि ये हमारे बालों को सॉफ्ट एंड शाइनी भी बनाता है। अब जब ये ब्राउन हो जाए तो इसमें ऐड कर देंगे तिल का तेल। मैं ये 1/2 बोतल ऐड करूँगी, क्योंकि ऑलरेडी मेरे पास ये ऑयल बना हुआ है, बट आपको जितने भी क्वांटिटी में ये ऑयल बनाना है आप उतना ही इसमें ये ऑयल ऐड कर सकते हो। गाइस, तिल का तेल हमारे बालों की ग्रोथ को फास्ट तो करता ही है, बट जब ये ऑयल इन सब इंग्रेडिएंट्स में ऐड होकर इस तरह से रेडी किया जाता है तो इसके जो हेयर ग्रोथ बेनिफिट्स हैं वो और भी ज़्यादा हो जाते हैं और बालों को ये डबल स्पीड में लॉन्ग एंड हेल्दी करने लगता है। जब ये ऑयल गर्म हो जाए तो इसमें हमने जो अनियन एंड गार्लिक ग्राइंड किया था वो ऐड कर देंगे। और अनियन के हेयर बेनिफिट्स तो हर कोई जानता ही है। आजकल मार्केट में भी अनियन से बने बहुत से हेयर प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, फिर चाहे वो हेयर ऑयल हो या फिर हेयर शैम्पू, क्योंकि अनियन में होता है सल्फर, जो हमारे बालों को मजबूती देता है। और ऑब्वियसली जब हमारे हेयर्स स्ट्रॉन्ग होंगे तो हेयर ग्रोथ तो होगा ही। गार्लिक एंटीबैक्टीरियल होती है और स्कैल्प के इन्फेक्शन को दूर करती है। नेक्स्ट इसमें हम ऐड करेंगे करी पत्ता। करी पत्ता में एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो स्कैल्प को नेचुरली मॉइस्चराइज करके बालों की ड्राइनेस को दूर करके बालों को सॉफ्ट बनाते हैं। ओके, तो अब हम इसे तब तक लो फ्लेम पर रखेंगे जब तक ये ब्राउन ना हो जाए। अब ये ब्राउन हो चुका है और जब ये थोड़ा सा ठंडा हो जाए तो हम इसे एक एम्प्टी कंटेनर में स्टेन कर लेंगे। एंड मेक श्योर जिस भी कंटेनर में आप ये ऑयल स्टोर करोगे वो बिल्कुल ड्राई हो। और अब हम जिन 2 मेन इंग्रेडिएंट्स की बात कर रहे थे वो इसमें ऐड करेंगे। इसमें हम ऐड करेंगे 3 to 4 लौंग, इससे इस ऑयल में खुशबू बनी रहेगी। एंड आप इसमें आर्टिफिशियल फ्रैग्रेंस भी ऐड कर सकते हो।
और अब इसमें ऐड करेंगे मेन इंग्रेडिएंट विटामिन ई कैप्सूल ऑयल। विटामिन ई ऑयल बालों की ऑलमोस्ट सभी प्रॉब्लम्स को दूर करता है। ये आपके बालों को नरिश करेगा एंड हेयर फॉल को रोकेगा और हेयर को हेल्दी बनाएगा। तो इसमें 2 विटामिन ई कैप्सूल ऐड करने हैं और अब हमारा ये ऑयल बिल्कुल बनके रेडी है। सो गाइस, ये हमारा होममेड हेयर ग्रोथ ऑयल प्योर हर्बल है और जब भी मेरा ये ऑयल ख़त्म हो जाता है मैं इसे अगेन बना लेती हूँ, क्योंकि इससे हम मेरा जो हेयर फॉल है वो रुक जाता है और हेयर ग्रोथ की तो बात ही क्या करें, इससे मेरा हेयर ग्रोथ बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाता है और फिर मैं हेयर्स को कट भी करती रहती हूँ, यू नो, थोड़ा सा लुक चेंज करने के लिए। इस हेयर ऑयल को आपने अपने रेगुलर हेयर ऑयल के जैसे ही यूज़ करना है। अपने बालों में इससे अच्छे से मसाज करनी है, स्कैल्प पे अच्छे से मसाज करनी है और 4 to 5 hours तक या फिर ओवरनाइट आपने इसे लगाए रखना है और उसके बाद आप किसी भी माइल्ड शैम्पू से अपने हेयर्स को वॉश कर लें। मैं इसे वीक में एक बार लगाती हूँ बट आप इसे वीक में 2 बार भी लगा सकते हो एंड 3 months तक आप इसे यूज़ करके देखो, आपको इसके बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। सच में 30 डेज में ही आपको इसके अच्छे इफेक्ट्स दिखने लगेंगे बट इसे कंटिन्यू यूज़ करने से आप इसके पूरे फायदे उठा पाओगे। तो एक बार मेरे कहने पर इस ऑयल को ज़रूर बनाओ और ट्राई करो एंड आई एम श्योर आप खुद आके पॉजिटिव रिव्यू मेरे कमेंट्स में लिख कर जाओगे। सो आप इसे ज़रूर ट्राई करो एंड आई होप आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब एंड आई विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो गाइस। टिल देन बाय, लव यू।